केंद्र सरकार ने जिस तरह से वाराणसी अयोध्या और उज्जैन में भव्य धार्मिक कॉरिडोर बनाए, वैसा ही कॉरिडोर भगवान देवनारायण के नाम पर राजस्थान के भीलवाड़ जिले के असिंध में उनके प्रकट स्थल मालासरे डूंगरी में बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय तैयारी कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकटोत्सव पर आ रहे हैं और अपने सभा में इस कॉरिडोर की घोषणा कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से सांसद है और मोदी कार्यक्रम तैयारी मेघवाली देख रहे हैं। बता दें कि यह कॉरिडोर मालासरी डोंगरी स्थित भगवान देवनारायण के मुख मंदिर को शामिल करते हुए बनेगा। इसके आसपास क्षेत्र में एक म्यूजियम बनेगा जहाँ भगवान देवनारायण के जीवन और क्षेत्र में मौजूद उनके ऐतिहासिक प्रमाणों को प्रदर्शित किया जाएगा। धार्मिक कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ेगी, ऐसे में एक मेला स्थल भी बनाया जाएगा। वर्तमान मुख्य मंदिर जिस डूंगरे पर स्थित है उसके पास एक झील भी है जिसे चारों तरफ से वाकविक साथ भव्य सरोवर का रूप दिया जाएगा ताकि आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन सके।